हेलो देयर, वेलकम टू नॉलेज नैक। आज भी हम कंटिन्यू करेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएच स्केल, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम थोड़ा सा बेस समझेंगे। हमने अभी तक पढ़ा है दैट वाटर इज स्लाइटली आयोनाइज्ड इनटू हाइड्रोजन आयन्स एंड हाइड्रोक्साइड आयन्स। पानी जो है उसके अंदर H+ आयन्स और OH- आयन्स की कंसंट्रेशन इक्वल होती है, ये हम जानते हैं। अब एसिड्स के बारे में हमने क्या पढ़ा है? एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन्स इन वाटर। इसका मतलब ये है कि जब हम एसिड को पानी में ऐड करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन आयन्स की कंसंट्रेशन बढ़ गई। अब लेकिन देखिए, जब हमने एसिड को पानी में डाला तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी है, और पानी में ऑलरेडी H+ आयन्स पहले से थे और OH- आयन्स भी थे। एसिड्स ने H+ प्रोड्यूस करे तो H+ की कंसंट्रेशन जरूर बढ़ गई, लेकिन OH- आयन्स जो है वो भी ऑलरेडी प्रेजेंट थे पानी के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन्स की कंसंट्रेशन से ज्यादा है एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर। H+ तो है लेकिन OH- भी प्रेजेंट है, चाहे वो बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अब बेसिस के बारे में हम क्या जानते हैं? बेसिस प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन्स इन वाटर। इसका मतलब जब हमने बेस को पानी में ऐड करा तो उसने हाइड्रोक्साइड आयन्स बनाए। अब पानी के अंदर फिर से वही बात कि H+ और OH- आयन्स दोनों ऑलरेडी प्रेजेंट थे, बेस ने और हाइड्रोक्साइड आयन्स बनाए, तो उस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन्स की कंसंट्रेशन जरूर बढ़ गई, लेकिन H+ आयन्स अभी भी उसमें प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन्स इज लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन्स। तो इसका मतलब इस डिस्कशन का ये हुआ कि चाहे हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन है, चाहे हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन है, या हमारे पास प्लेन वाटर है, तीनों केसेस में हमारे पास H+ आयन्स की कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगी। पानी के केस में H+ और OH- इक्वल है, एसिडिक सॉल्यूशन में H+ OH- से ज़्यादा है, और बेसिक में H+ OH- से कम है। बस इसी बात को बेस बनाकर कि H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है वो हर तरह की सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, एक स्केल बनाया गया पीएच स्केल। इन 1909 सोरेनसन डिवाइज्ड अ स्केल ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सॉल्यूशंस एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशंस कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय मेकिंग यूज ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन देम। जो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन तीनों तरह की सॉल्यूशंस में प्रेजेंट है वो कितनी है, उसके हिसाब से सोरेनसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्केल डेवलप किया, और जितनी H+ की कॉन्सेंट्रेशन है उसके हिसाब से ये बताया जा सकता था कि एसिडिक सॉल्यूशन की या बेसिक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? अ स्केल ऑफ मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। ये एक स्केल है जो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करता है, और पीएच में जो पी वर्ड है उसका जर्मन में जर्मन वर्ड है उसके लिए पोटेंस, जिसका मीनिंग है पावर। अब दो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। पहला, पीएच स्केल हैज वैल्यूज फ्रॉम 0 to 14। ये जो स्केल इन्होंने बनाया सोरेनसन ने, इस स्केल पर 0 से 14 तक नंबर्स लिखे रहेंगे। और सेकंड पॉइंट, पीएच इज अ प्योर नंबर, इट हैज नो यूनिट्स। इन ये सिर्फ एक नंबर्स हैं, इन नंबर्स की कोई यूनिट नहीं है। अब सबसे पहले बात करें न्यूट्रल सब्सटेंसेस की, तो उनका पीएच होगा एग्जैक्टली 7। इसके एग्जाम्पल्स हैं प्योर वाटर, शुगर सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब इनका पीएच 7 है, ये न्यूट्रल है, ना ये एसिडिक है ना ये बेसिक है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर किसी सब्सटेंस का पीएच 7 है
तो ना तो वो लिटमस पेपर को पर कोई इफेक्ट शो करेगा, ना किसी भी और कॉमन इंडिकेटर पर जैसे मिथाइल ऑरेंज या फिनोल्फथलीन, किसी के ऊपर कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा। एसिडिक सॉल्यूशंस हैव अ पीएच ऑफ लेस देन 7, 0 से 7 तक, या 7 को छोड़ दें, 7 से नीचे नीचे तक अगर पीएच शो कर रही है कोई सॉल्यूशन तो इसका मतलब है वो एसिडिक है। नेक्स्ट पॉइंट हमें याद रखना है, मोर एसिडिक अ सॉल्यूशन इज द लोअर विल बी इट्स पीएच, यानी कि जितना ज़्यादा सॉल्यूशन एसिडिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं ए और बी, ए का पीएच है 1, बी का पीएच है 5, तो ए सॉल्यूशन जो है ज़्यादा एसिडिक होगी क्योंकि उसका पीएच कम है। तो हमें याद रखना है जितना पीएच कम होगा, लो होगा, उतनी ही ज़्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होगी। अब बेसिक सॉल्यूशंस का पीएच क्या है, इट इज़ मोर देन 7, और जितना ज़्यादा सॉल्यूशन हमारा बेसिक होगा उसका पीएच भी उतना ज़्यादा हाई होगा। इस बात का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं ए और बी, ए का पीएच है 14 और बी का पीएच है 10, तो क्योंकि ए का पीएच ज़्यादा है इसलिए वो ज़्यादा बेसिक होगी। तो हमें यहाँ पर सिंपल बात याद रखनी है कि जितना ज़्यादा पीएच होगा उतना ज़्यादा बेस हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। अब अगर हम पीएच स्केल की एक फिगर बनाएं तो इस तरह से देखिए, ये स्केल है 0 से लेके 14 तक। ठीक सेंटर का जो नंबर है 7 वो न्यूट्रल के लिए है। 0 से 7 से पहले तक सभी नंबर्स एसिड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 7 के बाद 14 तक सभी नंबर्स, सभी पीएच वैल्यूज बेसिस को रिप्रेजेंट करती हैं। अब अगर हम 7 से 0 की तरफ मूव करें इधर, तो इस तरफ आने पर हमारा एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। यानी कि अगर हम 1 और 5 को कंपेयर करें तो 1 स्ट्रॉन्ग एसिड है और 5 हमारा वीक एसिड है। इस तरफ आने पर हमारा स्ट्रेंथ बढ़ रहा है एसिड का, या हम कह सकते हैं इस तरफ आने पर हमारा H प्लस आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। जितना ज़्यादा हम लेफ्ट की तरफ आएंगे उतना हमारा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो अगर हम कहें कि 1 और 5 में से किसका एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो 1 का ज़्यादा रहेगा क्योंकि 1 लेफ्ट में है। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि लेफ्ट की तरफ आने पर हमारा ओ एच माइनस का कंसेंट्रेशन कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम 1 और 5 को कंपेयर करें तो 1 में ओ एच माइनस आयन्स की कंसेंट्रेशन कम है और 5 में ज़्यादा है। अब ठीक इसी तरह से अगर हम राइट साइड मूव करें तो राइट साइड 7 के बाद राइट साइड मूव करने पर हमारा बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि ओ एच माइनस आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन हमारा इंक्रीज हो रहा है और H प्लस का डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम यहाँ 8 और 13 को कंपेयर करें तो 13 का बेसिक नेचर 8 के मुकाबले ज़्यादा है, 13 में ओ एच माइनस आयन्स की कंसेंट्रेशन 8 के मुकाबले ज़्यादा है, 13 में H प्लस आयन्स की कंसेंट्रेशन 8 के मुकाबले कम है। तो ये है हमारा पीएच स्केल जिसके बेसिस पर हम किन्हीं भी दो सॉल्यूशंस की एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं, कौन सा ज़्यादा एसिडिक है या कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा बेसिक है। अब नेक्स्ट टर्म हमारी पीएच से रिलेटेड आती है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखिए किसी भी सॉल्यूशन का पीएच कितना है इसको मेजर कर हम बता सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन कितनी ज़्यादा एसिडिक है या बेसिक है, और यही एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का बेसिक आइडिया है। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड टू ऑब्टेन एन आइडिया ऑफ हाउ एसिडिक और बेसिक अ सब्सटेंस इज। इट वर्क्स बाय मेजरिंग द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर्स, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट इंडिकेटर्स का ये एक मिक्सचर है, और डाइज विच गिव डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज ऑफ एंटायर पीएच स्केल।
इसका मतलब ये है कि जब हम किसी एसिड या किसी बेसिक सॉल्यूशन को यूनिवर्सल इंडिकेटर में ऐड करेंगे तो वो इंडिकेटर हर सॉल्यूशन के लिए एक नया कलर देगा, अलग कलर देगा, क्योंकि हर सॉल्यूशन का पीएच अलग होगा और उसी पीएच नंबर के हिसाब से उसका कलर प्रोड्यूस होगा। हमारे पास इसके लिए एक पीएच कलर चार्ट भी है। देखिए, अगर हमने किसी सॉल्यूशन को यूनिवर्सल इंडिकेटर में ऐड करा तो उसके अंदर जो भी कलर चेंज आएगा उसके हिसाब से हम उसका पीएच डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक पीएच कलर चार्ट है। जो भी कलर डेवलप होगा उसको हम इस चार्ट से मिलाएंगे और फिर हम उसका पीएच जान सकते हैं और फिर बता सकते हैं कि वो किस तरह का एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, या फिर वो किस तरह का बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। तो ये पीएच कलर चार्ट है। जीरो के लिए देखिए, डार्क रेड कलर, वन रेड, टू रेड, थ्री ऑरेंज रेड, फोर ऑरेंज, फाइव ऑरेंज येलो, सिक्स ग्रीनिश येलो, सेवन ग्रीन, एट ग्रीनिश ब्लू, नाइन ब्लू, टेन नेवी ब्लू, इलेवन पर्पल, ट्वेल्व पर्पल, थर्टीन वायलेट, फोर्टीन वायलेट। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हमने किसी सॉल्यूशन को यूनिवर्सल इंडिकेटर में डाला और उसका कलर ब्लू आया तो हम जब इस कलर चार्ट से उसको मैच करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ब्लू का पीएच है 9। तो उस गिवन सॉल्यूशन का पीएच होगा 9 और उसका नेचर कैसा होगा? बेसिक, क्योंकि 9 पीएच वैल्यू जो है वो बेसिक सॉल्यूशंस के लिए है। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया हमारा पीएच का टॉपिक और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में भी आ गया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जो भी व्यूज़ हैं मेरे कंटेंट के बारे में, आप उसे प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर मुझे बताएं। और आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसे प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो वेरी मच।